हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैन। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो डीसी ब्लोअर फैन जो कि 2.9 एम्पेयर का है और 6 एम्पेयर तक लास्ट हमारे पास ये मिलेगा, 4 एम्पेयर 6 एम्पेयर, तो जितना स्पीड चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन ये आप चूल्हा के लिए यूज करना चाहते हैं तो 2.9 एम्पेयर आपके लिए काफ़ी है और सभी लोग चूल्हा के लिए इसी ब्लोअर फैन और इसी पावर सप्लाई को परचेज कर रहे हैं। लेकिन लोगों का डिमांड है कि हमारा बैटरी से भी चले और लाइन से भी चले और ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाए, स्विच का कोई ज़रूरत ना हो। लेकिन स्विच भी खोज रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा जुगाड़ बना दिया जिसमें कि आपको स्विच का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगा और ऑटोमेटिक आपका काम करेगा। जब बैटरी चलाना तो बैटरी चलेगा, जैसे लाइन आएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो बैटरी का पावर कट हो जाएगा और लाइन से चलने लगेगा, जिससे कि आपका बैटरी भी बचेगी। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको अलग से चार्जर यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये हमारे पास आज इस जुगाड़ को बना रहा हूँ, जिसको पूरा कंप्लीट बना के दिखाऊंगा, आप भी इजीली इसको बना पाएंगे। और चलिए मैं अभी ब्लोअर फैन को चला के दिखाता हूँ कैसे इसमें रेगुलेट यहाँ पे हो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने ब्लोअर फैन को चला के दिखा रहा हूँ, रेगुलेट करके दिखा रहा हूँ, एक्यूरेट यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है और बहुत ही हाई स्पीड है। देखिए, यहाँ पे आप खुद वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसके ढक्कन को रखा हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत ही हाई स्पीड यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो कुछ भी जो भी हाथ में मैं रख रहा हूँ सब चीज़ को ये उड़ा दे रही है, जिससे कि यहाँ पे रिले हमारा, जिससे हम इस कंट्रोलर को बनाऊँगा। तो देखिए बहुत ही हाई स्पीड है। तो फ्रेंड, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है। तो आज इस वीडियो में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा, लाइन जैसे आएगा ऑटोमेटिक लाइन से चलने लगेगा, जैसे लाइन कटेगा ऑटोमेटिक बैटरी में चल जाएगा। इससे आपका ना बैटरी ख़राब होगा ना आपका चार्जर ख़राब होगा जो ये चल रही है। और बैटरी को अलग से चार्ज करें, आप जिससे भी चार्ज करना आप कर सकते हैं, इसकी उतनी औकात नहीं जिससे कि चार्ज कर सके, नहीं तो मैं उसको भी कर देता। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आज इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा तभी इसको आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक कनेक्टर पॉइंट मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ जो कि ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस वीडियो को आगे मैं हमें करके दिखाऊँगा और एक छोटा सा रिले है, इसके बारे में बात होगा और इसके बारे में भी कनेक्शन मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो चलिए, रिले है, रिले का ये तीन पॉइंट है, ये दो पॉइंट जो है वोल्टेज का है जो कि 12 वोल्ट इसमें देंगे तो रिले कटअप का काम करेगा। और ये तीन पिन बच जाती है, एक बीच वाली और इधर का दो पिन, ये दोनों पिन में इनपुट होगा और एक पिन में आउटपुट होगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लीजिए तभी जाके आप इस वाली फंक्शन को बना पाएंगे, जो कि आपको जब लाइन आएगी तो ऑटोमेटिक बैटरी का पावर कट हो जाएगा और लाइन से चलने लगेगी। जब लाइन कट होगा तो ऑटोमेटिक आपका इसका जो पावर है, इसका जो कनेक्शन है, कट हो जाएगा और आपका बैटरी से ये चलने लगेगा। इससे आपको फ़ायदा ये है, ये आपका सर्किट ख़राब नहीं होगा और इसमें क्या होगा, एक ही कंट्रोलर में बैटरी से भी काम करेगा और लाइन से भी काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हमने इसमें बनाया है जो कि बहुत ही मस्त लगेगा आपको और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि लाइन और बैटरी से ऑटोमेटिक आपका कर दे और आपको कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े और कोई स्विच लगाना ना पड़े ऑटोमेटिक। स्विच में क्या होता है कि कभी काल मिस्टेक हो जाए तो आपका काम नहीं करे तो मिस्टेक से ख़राब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक का कोई मतलब नहीं रह जाता फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारा एडेक्टर का ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से दो पावर मिलेगा आपको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है जो कि बैटरी के साथ जुड़ी है और ये नेगेटिव पॉइंट एक इस वाले रेगुलेटर के साथ जुड़ गया जो नेगेटिव पॉइंट इनपुट में है। ये वाले नेगेटिव पॉइंट रिले का, ये वाली पॉइंट, यहाँ पे तीन पॉइंट होगा रिले का और दो पॉइंट ये रिले का, तीन दो पाँच पॉइंट होगा। तो रिले का ये जो है इस तक ये वाली पिन में जुड़ जाएगा जो कि एक कोयल पिन है, एक ये और एक ये जिसमें 12 वोल्ट जाएगा, कोयल पिन है। तो ये हमने नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जोड़ा जो कि 12 वोल्ट की बैटरी का ये नेगेटिव पॉइंट में जुड़ गया। अब फ्रेंड, हमको रिले से आउटपुट मिलेगा ये वाली बीच वाली पिन में, यहाँ पे एक इनपुट और ये दो इनपुट होगा। बैटरी का इनपुट इधर कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, जिधर आपका सेट करेगा
मैं वो भी बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे ए आउटपुट मुझे बीच वाली पिन से मिलेगा, जो कि आउटपुट यहाँ पर दे देंगे, जो कि यहाँ पे इसको 12 वोल्ट मिल जाएगा और यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट मुझे मिलेगा जितना मैं रेगुलेट करूँगा। तो ये पॉजिटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन ब्लोअर फैन का पॉजिटिव पिन में दे देंगे, नेगेटिव पिन ब्लोअर फैन का नेगेटिव में दे देंगे, जिससे यहाँ पर रेगुलेट कंट्रोल होगा। तो अब फ्रेंड हमारा ये पॉजिटिव पिन जो है पावर सप्लाई का, ये पॉजिटिव पिन इस वाले पिन में देंगे। यहाँ पर नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव रिले को नहीं मिला, और ये पॉजिटिव पिन को इसके साथ शॉर्ट कर देंगे। ये इधर होगा या इधर होगा, एक बार चेंज करके आप देख लेंगे, जिससे कि आपका सटीक कार्य करे। जिसे यहाँ पे जैसे ही लाइन आते ही आपका स्विच ऑन हो, रिले ऑन होगा, तो आपका ये NO से NC बन जाएगा। तो यहाँ पे NC मतलब नॉर्मली क्लोज, मतलब ऑन हो जाए, रिले ऑन हो जाए। रिले ऑन होते ही आपका जो ये पावर है, ये इसका जो पावर है ये इस वाले लाइन में आ जाए, और ये जो बैटरी का पावर है इसका जो पॉइंट है यहाँ से कट जाए, जिसे भी यहाँ पे कटा हुआ है। जैसे ही पावर कटेगा तो ये जो रिले ऑफ हो जाएगा और ये जो है पॉइंट इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो बैटरी चलने लगा। जैसे ही लाइन आएगा ये वाली पॉइंट को कट होके ये वाली पॉइंट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस पॉइंट के साथ जुड़ेगा तो लाइन से चलने लगेगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही इस रिले का काम है। तो ये वाली पॉजिटिव पॉइंट को मैंने यहाँ पे ये वाली पिन में जोड़ा और इस वाली पिन में शॉर्ट कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव पिन यहाँ पे दे दिया, ये नेगेटिव पिन है। तो जब लाइन कटा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक रिले जो है बैटरी का पॉइंट में रहेगा, बैटरी से आपका चलने लगेगा। जैसे ही लाइन आएगा रिले ऑन होगा और रिले का पावर जो है आपका इस वाली पावर सप्लाई से इसमें पावर आने लगेगा, उसके बाद ये जो है हमारा चलने लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम को देख लीजिए और इजीली इसको आप बना पाएंगे। और जिस लोगों को चाहिए ये पूरा कंप्लीट सर्किट बोर्ड और ब्लोअर फैन, वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपने अच्छे तरीके से डायग्राम को समझ लिए होंगे, और नहीं समझे तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल हमारा वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब जाके अब इसको कर पाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने खोला था जो कि पॉजिटिव था, तो नेगेटिव पॉइंट में एक कनेक्शन जोड़ा हूँ जो कि रिले के साथ मैं कनेक्ट करूँगा। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और इसका जो रिले का नेगेटिव पॉइंट है, जिससे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया। तो चलिए नेगेटिव पॉइंट में इसका कनेक्ट कर लेते हैं। किस तरह का नेगेटिव हो आपकी आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा एक मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे चेक करना है और चेक करके कैसे पता करना है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करके यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव को साथ जोड़ दिया और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में जोड़ेंगे। ये हमारा पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन में जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बार मल्टीमीटर से चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि गलती ना हो, ये काम ना करे, इसलिए। तो यहाँ पे बीच वाली पॉइंट में और ये वाली पॉइंट में ये NO की NC वो चेक करेंगे। अगर ये NC है तो यहाँ पे कनेक्शन को चेंज करेंगे, अगर ये ऑन है रिले तो कनेक्शन को चेंज करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा जो है ऑन बता रहा है, जैसे कि लाइन आएगा तो कटअप हो जाएगा, तो लाइन से चलेगा ही नहीं, इसीलिए मैं इस पिन में ये ऑफ है, जब लाइन आएगा तो ये पिन ऑन होगा और हमारा ये चलने लगेगा। तो यहाँ पे कनेक्शन को चेंज करने का ज़रूरत है। तो ये हमारा मतलब इतना समझिए कि लाइन आए रिले ऑन हो तो हमारा ये स्विच ऑन हो जाए। तो ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे। डायग्राम में जैसा दिया है उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है ये चेंज करना पड़ता है, ये आपका NO और NC के लिए। जैसे कि लाइन आए तो ऑन होना चाहिए, ऑन होते ही आपका जो है काम करें, लाइन जाने के बाद वो ऑफ हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हमने इससे दो पॉइंट का शॉर्ट करेंगे जो कि पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव को यहाँ पे शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ये पॉजिटिव जाएगा बीच वाली पॉइंट में, जो पॉइंट हमारा खाली है उसमें जाएगा, जब हमारा लाइन आने से रिले ऑन होगा तो उस पॉइंट में जाएगा और उससे हमारा जो है सर्किट ब्लोअर फैन चलेगी। और एक पॉइंट जो बच गया वो बैटरी के लिए हमारा, जो कि बैटरी का आगे मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो चलिए हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब बच गया हमारा फ्रेंड दो पिन, ये दो पिन मैंने शॉर्ट कर लिया और बचाई दो पिन। ये दो पिन आपका जो है फ्रेंड एक जाएगा आउटपुट, जो कि यहाँ पे एक पिन मैंने खोला पॉजिटिव और एक जाएगा बैटरी के लिए। तो यहाँ पर चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं और इस वाली पिन में कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब मैं फ्रेंड बैटरी का कनेक्शन करूँगा, तो चलिए बैटरी के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं, जो कि दो बार यहाँ पे हॉल हो चुका है। और चलिए बैटरी के लिए दो वायर अच्छी क्वालिटी का वायर लगा लेंगे, ताकि आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पे दो वायर को यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव को देख के लगाएंगे। तो पॉजिटिव वाली पॉइंट को, जो पॉइंट हमारा खाली है, वो वाली पॉइंट में जुड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पॉजिटिव वाली पॉइंट को मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, ये वाली पॉइंट में। तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे, ये वाली वायर का पॉजिटिव, जो बैटरी का, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। और ये ब्लैक वाले वायर का जो है, ये नेगेटिव पॉइंट में, जो पावर सप्लाई का नेगेटिव पॉइंट है, या इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव के साथ जुड़ गया है। अब मैं फ्रेंड इसको पिक कर दूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो चलिए यहाँ पे सोल्डरिंग हमारा हो गया है अच्छे तरीके से, हमारा सोल्डरिंग हो गया है। अब इसको पैकिंग करेंगे, और एक बार मैं आपको चला के दिखाऊंगा लाइन से। हमारे पास अभी बैटरी का सुविधा नहीं है, लेकिन आप ये करेंगे आपका 100% वर्क करेगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, और इजीली इस कनेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होता है, लेकिन ये 100% आपका काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए मैं अभी लाइन से आपको चला के दिखाऊंगा। ये हमने यहाँ पे लगा ले रहा हूँ। और जिन जिन भाइयों, जिन जिन लोगों को आपको चाहिए ये पूरा कंप्लीट सर्किट इसी तरह का चूल्हा के लिए, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं बनवा के, और मैं इसको बना के दूंगा। ये ऐसा बना हुआ आपको शायद ही कहीं मिले। तो एक भाई ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ही सिस्टम चाहिए, इसी के लिए मैंने यहाँ पर मंगाया हूँ, और इसको मैं करके उसको डायरेक्टली सेल करूँगा। और उन्होंने बोला कि ये अच्छा रहा, तो मैं और भी ज़्यादा परचेज करूँगा हमसे। तो जिन जिन लोगों को लेना है, मैं इसको बना के दे सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट होगा, लेकिन आपके लिए सुविधा चाहिए तो कॉस्ट तो थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करूँगा उसके लिए तो चार्ज आपको लगेगा फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर चुका हूँ, और जिनको अपने से मॉडिफाई करना है वो कर सकते हैं, हमने पूरा वीडियो में डिटेल आपको दिखा दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे चला के देखेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे चला रहे हैं, और देखिए यहाँ पे ऑन करके रखा है, और यहाँ पे देखिए हमारा ब्लोवर चल रहा है, और आउटपुट में शॉर्ट कर रहे हैं बैटरी वाले पिन में, तो यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा सेफ्टिक, बहुत ही सेफ्टिक है। जब यहाँ पे बैटरी पावर भी जाएगा ना, तो इसमें पावर सप्लाई का इफेक्ट नहीं करेगा फ्रेंड। जैसे ही हमारा लाइन कटेगा, ऑटोमेटिक लाइन से चलने लगेगा हमारा ब्लोवर फैन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी, अच्छी तरीका, अच्छी ट्रिक और अच्छी चीज़ मैंने आपको बना के दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है, सब्सक्राइब कर लें।